नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 13 अक्टूबर। सबसे पहले अगर हम कल के सेशन की बात करें तो कल हमने कॉटन के प्राइसेस में बड़ा उछाल देखा। वापस हमने देखा 30,210 का भाव खुलने के बाद कॉटन के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी और 30,990 का लेवल टेस्ट किया। नो डाउट क्लोजिंग टाइम पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर था, जिस दिन से यूएसडी की रिपोर्ट के अपडेट्स आने बाकी थे, जिसके चलते मार्केट में थोड़ा दबाव बन रहा है। बट ये टेम्पररी हो सकता है, बिकॉज अराइवल प्रेशर तो है मार्केट में, बट डिमांड प्रेशर भी धीरे धीरे आने वाले टाइम में बढ़ेगा। मॉइस्चर कंटेंट भी डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लगता नहीं है कि कोई बड़ा फ्री फॉल या बड़ा क्रैश मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। कपास में भी कल हमने तेजी बनते हुए देखी, कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी हमने 1% की तेजी बनते हुए देखी, बट प्राइजेस कल 2600 का लेवल नहीं तोड़ पाया था। आज दिन का सेशन नरम हो सकता है, प्राइजेस में थोड़ा सा सेटबैक और नेगेटिव रहेगा, बिकॉज इंटरनेशनल में हमने देखा फिर से अगर कॉटन आइस कॉटन की अगर बात करें तो प्राइजेस फिर से 105 के करीब पहुंच चुका है। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट हमने आते हुए देखी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस में इनिशियली थोड़ा दबाव है, बट ज़्यादा डाउनसाइड नहीं रहेगा। कल के सेशन में हमने शॉर्ट कवरिंग देखी थी कॉटन के प्राइजेस में। आज अगर पुलबैक मिलता है 30,000 के करीब तो यहाँ से वापस बाइंग की जा सकती है, क्योंकि अराइवल प्रेशर के चलते प्राइसेस में गिरावट है और यूएसडी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद एक इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा एक वीकनेस बना जरूर है, बट डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। चार्टिकली देखें तो नो डाउट एक जो बुलिश चैनल है वो तोड़ा जरूर है, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, जो करीबन 29,770 का लेवल है, मतलब करीबन 29,800-850 तक का लेवल हम कॉटन में बनते हुए देखेंगे। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म सिनेरियो जो है वो कॉटन का पॉजिटिव रहेगा। वही कॉटन सीड ऑयल केक में पिछले 2-3 दिनों में एक सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दिन के सेशन में अगर 2530 के करीब मिले तो लेके चलिए, 2590 का लेवल तोड़ने पे 2640-50 तक का लेवल दिखा देगा, बट मार्केट में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहने की उम्मीद है। वहीं इस कॉटन में हमने आपको कहा भी था कि वीकली चार्ट पे जो पैटर्न बना हुआ है कप एंड हैंडल का, वो अभी भी तेजी का ही है। एक पुलबैक जरूर उम्मीद लग रही थी, वैसा ही पुलबैक हमने यूएसडी की रिपोर्ट के बाद आते हुए देखा। कहीं ना कहीं प्राइस 106 का लेवल कंटिन्यू होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक प्राइस 100 के नीचे नहीं जाता है ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, जो अपसाइड में 124 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो आज के लिए यूएसडी की रिपोर्ट के बाद हम कॉटन में, कपास में और कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़ा पुलबैक देख सकते हैं। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, कॉटन में अभी भी तेजी का रुख कायम रहेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में 25-30 के करीब लेके चलिए, 25-90 का टारगेट रहेगा। दिन में वॉल्यूम काफी कम रहने की उम्मीद है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर।